दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, झारखंड में 10,000 नर्सों की बहाली होगी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के जल्द ही घोषणा की गई है कि 10,000 नर्सों की बहाली होगी। उसके साथ 10 साल से अनुबंध पर जो काम कर रहे हैं नर्सों, उनको परमानेंट किया जाएगा। तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, ये न्यूज़ में आज आया हिंदुस्तान न्यूज़ में, तो आपको कंप्लीट न्यूज़ बताएंगे क्या न्यूज़ है और कब से बहाली होगी और कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे हैं, आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो हेडिंग दिया हुआ है कि झारखंड में 10,000 नर्सों की बहाली जल्द। स्वास्थ्य मंत्री बोले 10 सालों से अनुबंध पर काम कर रही नर्स को करेंगे स्थायी। बंद स्वास्थ्य केंद्रों में पद सृजित कर बहाली होंगे डॉक्टर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में 10,000 नर्सों की बहाली जल्द होगी। यही नहीं, 10 वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत सभी नर्सों को अस्थायी किया जाएगा। मंत्री चेताडी में बने मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र SNUCU का उद्घाटन करने गिरिडीह आए थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सुदूर प्रखंडों में जो केंद्र डॉक्टर नर्सों की पोस्ट नहीं होने पर बंद है, वहां पर सजित्र कर डॉक्टर स्वास्थ्य और नर्स देने जा रही है। मंत्री ने डॉक्टर की कमी पर कहा कि प्रदेश में 350 डॉक्टर हर साल नए निकलते हैं, लेकिन अब 4 मेडिकल कॉलेज बनने से डॉक्टरों की संख्या 1350 हो जाएगी। इन्हें झारखंड में रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। यहाँ की प्रशिक्षित डॉक्टरों को झारखंड में ही काम से कम 3 वर्ष सेवा देनी होगी, नहीं देने पर 30 लाख रुपये देने होंगे। उन्होंने देवीपुर में एम्स की स्थापना पर कहा कि गिरिडीह को इससे काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों ये बेसिक न्यूज है, झारखंड में बहुत ही जल्द झारखंड में 10,000 नर्सों की बहाली होगी। तो ऐसे जो बैचलर इन नर्सिंग किए हुए हैं, उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए झारखंड में। और जो 10 साल से अनुबंध पर काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा। गवर्नमेंट सरकार ये सूचना दी है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी। तो दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।